हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एटी जी व्लॉग्स। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, मैं 10 के बाद ही उठता हूँ। लेकिन कैसा है, अभी गांव में हूँ तो जल्दी नींद खुल रही है, और थोड़ी देर में मैं निकलूँगा नागपुर जाने के लिए। उसके पहले मैं जाऊँगा केड़ापुर, वहाँ पर एक मंदिर है माँ जगदम्बा का, वहाँ पर दर्शन करूँगा, इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगा, और उसके बाद घर पर रिटर्न आके नागपुर के लिए निकलूँगा। सो निकलते हैं अभी। अगर सीधा जाएंगे तो नागपुर है, यू टर्न मारेंगे तो आदिलाबाद है, और आदिलाबाद की तरफ अपने को जाने का है अभी। आंध्र महाराष्ट्र सीमा से 20 किलोमीटर दूरी और पांढरकवडाया तालुका स्थान से केवल 4 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग 7 या महत्वपूर्ण हैदराबाद नागपुर रोड के बीच केलापुर या छोटे खानी गाँव में माँ जगदम्बा का एक बहुत प्राचीन हेमाडपंथी मंदिर है, और हर साल आंध्र प्रदेश, विदर्भ जैसे दूरदराज इलाकों से बड़ी संख्या में भक्त यहां आते हैं। ১৯৮৮ में श्री जगदम्बा संस्थान को केलापुर सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित किया गया, और संस्थान के परिसर में कई छायादार और सजावटी फूल लगाकर मंदिर परिसर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए ईमानदार प्रयास किए गए। देवगिरी के राजा रामदेव राव के दरबार में हेमाद्रिपंत नाम के असरदार थे। वह एक वास्तुकार थे। उनके समय में ही हेमाडपंथी मंदिर की निर्माण विधि शुरू हुई। इस हिसाब से यह मंदिर 14वीं शताब्दी का माना जाता है। प्राचीन इतिहास के संदर्भ पर विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ का देवी मंदिर पांडवकालीन होना चाहिए। कवि श्रीधर द्वारा रचित पुस्तक जैमिनी अश्वमेध के अध्याय 51 से 61 में उल्लेख है कि अश्वमेध यज्ञ के लिए धर्मराज द्वारा छोड़े गए घोड़े शमकर्ण को चंद्रहास राजा ने कुंतलपुर में रोक लिया था। केलापुर का पुराना नाम कुंतलपुर है, और किंवदंती है कि यह प्राचीन चंद्रहास राजा का शहर था। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भक्त निवास, मंगल कार्यालय, बच्चों के खेल का मैदान आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।